तो वहीं सोनीपत से लोकसभा के प्रत्याशी सतीश देसवाल ने चुनावी अभियान को तेज किया। इसके तहत देसवाल ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज किया और वहीं उन्होंने प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। सोनीपत लोकसभा के उम्मीदवार सतीश राज देसवाल ने अपने जनसंपर्क अभियान को और तेज करते हुए सोनीपत के प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के रुद्र यज्ञ महोत्सव में आहुति डालने पहुंचे। सबसे पहले सतीश राज देसवाल ने मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर संत कुंभा धाम पर माथा टेका और महंत का आशीर्वाद लिया। सनातन धर्म की मूल आधारशिला और लोक कल्याण हेतु किए गए इस रुद्रयज्ञ महोत्सव का आयोजन हर साल खेड़ी गुज्जर की पवित्र भूमि पर किया जाता है। इसके बाद सतीश राज देसवाल और गूगल बॉय कौटिल्य के दादा जयकिशन शर्मा को महंत राजेश स्वरूप के कर कमलों से स्मृति चिन्ह और शॉल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर देसवाल ने कहा कि संत कुंभा धाम न केवल विश्वभर में प्रसिद्ध है बल्कि हरियाणा के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आकर माथा टेकते हैं। संत कुंभा धाम अपने आप में बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। सतीश राज देसवाल ने कहा कि आज देश प्रदेश की राजनीति पार्टियों ने न केवल समाज को तोड़ने का काम किया है बल्कि जनता को परेशान करती है। नेता समाज में अपनी भागीदारी देना नहीं चाहते, समाज का दर्द नहीं जानते, लेकिन मैं अपने समाज और अपने बच्चों के लिए ऐसा काम करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में पहुँचें तो दूसरे बच्चों से मुकाबले के लिए खड़े हो सकें। उन्होंने सरकारी तंत्र की पोल खोलते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब कर रखी है। बिना पढ़ाई के हमारे बच्चों को 10वीं तक पास करा देते हैं। स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर हाथों में कटोरा देने का काम रखा है। कोई भी नेता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ें, सफल हों, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे और उससे पूरा गाँव ऊपर उठे, सारे गाँव ऊपर उठे, पूरा समाज और इसी प्रयास में लगे हुए, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। 2005 में एक शुरुआत करी मैंने अपने गांव खेड़ी जमकर, मेरे गांव का नाम भी खेड़ी है। और पूरे भारत में मैं संदेश देना चाहता हूं कि कैसे अपने बच्चों को काम करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे दिशा में काम हो, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इस पर एक बीड़ा उठाया है कि समाज नीति के हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे, समाज को दिशा देने के लिए काम करेंगे। और सतीश देसवाल ने जिस तरह परंपरा में चल रही राजनीति को छोड़कर नए ढंग की राजनीति शुरू की है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि इलाके में राजनीति की नई परंपरा शुरू होगी। टोटल न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।